हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज हम करेंगे द प्री कर्सर्स ऑफ क्लासिसिस्ट्स के बारे में। देखिए इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें आते हैं एडमंड वॉलर, इसमें आते हैं जॉन डेनहम एंड इसमें आते हैं टॉम्स फुलर। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। देखिए माइनर पोइट्स हैं, लेकिन आपको पता है कि एग्जामिनर माइनर पोइट से बहुत क्वेश्चन उठा देता है, क्योंकि सभी लोगों को ये इल्यूजन रहता है कि जो इंपॉर्टेंट हैं या जो मेजर पोइट्स रहे हैं वहीं से एग्जामिनर पूछता है, लेकिन माइनर पोइट्स जो हैं उनसे भी एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो इनको बिल्कुल स्किप मत करा कीजिए। और जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है उसके बीच में जितने राइटर आते हैं उनको भी आप कभी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ मिल्टन एंटिसिपेट्स द एज ऑफ ड्राइडन एंड द एज ऑफ पोप। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अब्राहम काउले वॉज द फोर रनर ऑफ क्लासिसिज्म। वॉलर एंड डेनहम एंटिसिपेट द एज ऑफ नियो क्लासिसिज्म। तो यहाँ पर सभी के फोर रनर बताए हुए हैं। देखिए जैसे कि एज ऑफ ड्राइडन एंड एज ऑफ पोप से पहले एज ऑफ मिल्टन, एंड देन क्लासिसिज्म से पहले अब्राहम काले ने कहीं ना कहीं एक पेवमेंट तैयार किया था क्लासिसिज्म के लिए। एंड वॉलर एंड डेनहम के बाद उन्होंने, ये कह सकते हो ये दोनों जो राइटर थे, दे मेड अ पेवमेंट फॉर नियो क्लासिसिज्म। और इन दोनों से पोप एंड ड्राइडन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमंड वॉलर के बारे में। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए, लाइफ स्पैन है ये इनका 1606 टू 1687। Throughout his life, he wrote verse, but only occasionally verse, and his well-known poems are. देखिए इन्होंने वैसे ज़्यादा इनके वर्क रहे नहीं हैं, और इन्होंने वैसे लिखे तो सभी वर्स हैं, लेकिन इन्होंने सारे वर्सेस occasional लेवल पर लिखे हैं। तो इनके जो वर्स हैं वो देख लीजिए। occasional verse का मतलब देखिए ये था, एक्चुअल में क्या है कि इनका टाइम पीरियड से भी आप समझ सकते हो। देखिए 1606 टू 1687, मतलब इन्होंने क्रोमवेल का टाइम पीरियड भी देखा, इन्होंने चार्ल्स टू का टाइम पीरियड भी देखा। तो दोनों के ओकेजन पर इन्होंने वर्स लिखे थे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो इनकी लव पोएम्स हैं वो देख लीजिए। द बर्ड गो लवली रोज, गो के बाद एक कॉमा जरूर लगा लीजिएगा, ऑन अ गर्डल। तो ये जो तीनों इनकी लव पोएम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। द बर्ड गो लवली रोज ऑन अ गर्डल। अब यहाँ पर जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप लोगों के लिए थोड़ा फेड लगेगा आपको, बट मैं आपको जो बताऊँगी, अगर आपको ये नहीं दिखेगा तो आप साथ में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए प्रॉपरली, ठीक है। अब आई थिंक आपको ये प्रॉपर दिख रहा होगा। देखिए जो जॉन ड्राइडन हैं, अलेक्जेंडर पोप हैं, इन्होंने दोनों ने ही एडमंड वॉलर, टॉम्स फुलर एंड जॉन डेनहम को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया है। तो जॉन ड्राइडन ने एडमंड वॉलर के बारे में क्या कहा, मिस्टर वॉलर रिफॉर्म्ड अवर नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे कि बात की मैंने कि जो वॉलर हैं डेनहम हैं, दे एंटिसिपेटेड द एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इनको बहुत प्रेज़ किया गया, क्योंकि इन्होंने एक पेवमेंट तैयार किया नए पीरियड के लिए। तो ये कह सकते हो कि ये ट्रांजिशनल पीरियड के बीच का टाइम है। ओके, अगर हम एडमंड वॉलर की बात करें तो इन्होंने तीन पीरियड अपने सामने देखे। पहला पीरियड क्या था, पहले पीरियड में इन्होंने ये देखा, आप इसको तीन पीरियड में बांट लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पीरियड में तो इन्होंने चार्ल्स वन जो थे उनका एग्जीक्यूशन देखा। सेकेंड पीरियड में इन्होंने क्रोमवेल का पीरियड देखा, जब क्रोमवेल एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर रूल कर रहे थे। और थर्ड पीरियड में इन्होंने देखा कि जब मोनार्की जो थी वो रिस्टोर हो गई थी, तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में इन्होंने देखा चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन, सेकंड में इन्होंने देखा कि क्रोमवेल जैसे एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर वो कॉमनवेल्थ पीरियड को रूल कर रहे थे, एंड द थर्ड वन इन्होंने देखा कि रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। इसमें कौन आए थे, इसमें आए थे चार्ल्स वन के जो बेटे थे चार्ल्स टू, उन्होंने राजगद्दी जो है वो संभाली थी, ठीक है। आप इन तीन पॉइंट को समझना, ओके। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने एडमंड वॉलर ने जो ओकेजनल वर्ड्स लिखे वो कैसे इन्होंने ओकेजनल वर्ड्स लिखे, आपको उस वर्ड का भी मीनिंग समझ आएगा। देखिए जो वॉलर हैं, इन्होंने क्रोमवेल के टाइम पर भी इन्होंने वर्क लिखा, क्रोमवेल को इन्होंने प्रेज़ किया, फिर जब रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुआ तब इन्होंने फिर से प्रेज़ किया किंग को। अब देखिए क्या है कि जो ये एडमंड वॉलर थे, ये पहले थे रॉयल सोसाइटी में, ये रॉयल सोसाइटी में मेंबर थे,
और ये ओपोजिशन पार्टी में थे, लेकिन फिर इनको एग्जाइल कर दिया था। लेकिन ये वापस जब आए तो इन्होंने क्रॉमवेल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने चार्ल्स टू को भी एक्सेप्ट किया और चार्ल्स टू को इन्होंने प्रेज किया। अब मैं आपके सामने ये पूरी लाइन पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत हेजी सा दिख रहा है, तो आप लिख लेना। वॉलर इनग्रेशिएटेड हिमसेल्फ विद क्रॉमवेल, अ प्यूरिटन लीडर हु टुक पावर एज द प्रोटेक्टर हु रूल्ड द न्यूली क्रिएटेड कॉमनवेल्थ। मतलब जो वॉलर थे, इन्होंने क्रॉमवेल को इनग्रेशिएट किया, मतलब इनको प्रेज किया। और क्रॉमवेल कौन थे? ये एक प्यूरिटन लीडर थे जो एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पीरियड को, जो उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था, उसको रूल किया। तो इन्होंने उसकी प्रेज में एक वर्क लिखा। तो कॉमनवेल्थ पीरियड में जब क्रॉमवेल आए तो क्रॉमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर कहा जाता था। तो यहाँ पर इस टाइटल से ही समझ आ रहा है कि ये वर्क इन्होंने किसके लिए लिखा था? क्रॉमवेल के लिए लिखा था। अब ये वर्क क्या था, इस वर्क को देख लेते हैं एक बार। अ पैनेजिरक टू माय लॉर्ड प्रोटेक्टर। अब ये पैनेजिरक क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी स्पीच देना या कोई भी रिटन फॉर्म में कोई चीज़ लिखना जिसमें प्रेज किया गया हो किसी को। तो यहाँ पर किसको प्रेज किया गया है? माई लॉर्ड प्रोटेक्टर, दैट मीन्स क्रॉमवेल। तो इन्होंने लिखा ये वर्क क्रॉमवेल के लिए, अ पैनेजिरिक टू माई लॉर्ड प्रोटेक्टर इन 1655। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, ठीक है। इट इज़ टॉम स्कैरी होम ही रिजेंबल्स द मोस्ट। देखिए, अगर हम इनके वर्क को देखें, एडमंड वॉलर की लव पोयम को पढ़ें, इनके वर्सेस को पढ़ें, तो हमें टॉम स्कैरी के वर्क से एक रिजेंबलेंस देखने को मिलता है। एंड द लव सॉन्ग्स ही सिंग्स इन एन ऑनर ऑफ हिज बिलव्ड रिकॉल कैरीज मोर डिसेंट वर्स। देखिए, जो कैरीज के डिसेंट वर्स रहे हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस या उनकी जो सिमिलैरिटी है, वो कहाँ देखने को मिलती है? एडमंड वॉलर ने जितने भी लव सॉन्ग्स लिखे हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की थी कि इन्होंने दो किंग के प्रेज में वर्क लिखा था, लाइक किंग नहीं कहेंगे क्रॉमवेल को, बट आप ये कह सकते हो एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर वो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्रॉमवेल के लिए लिखा था, जो हमने बात करी यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करेंगे, इन्होंने चार्ल्स टू के सक्सेशन पर भी एक वर्क लिखा था उनकी प्रेज में। और चार्ल्स टू कौन थे? ये चार्ल्स वन के सन थे। तो इन्होंने क्या वर्क लिखा? इन्होंने लिखा, टू द किंग अपॉन हिज मैजेस्टीज हैप्पी रिटर्न। मैजेस्टीज कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मैजेस्टीज हैं, वो हैं चार्ल्स टू, ठीक है। और इन्होंने उनके रेस्टोरेशन पे, या ये कह लो कि मोनार्क के रेस्टोरेशन पर ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट वन इज़ जॉन डेनहम। हिज लाइफ स्पैन इज 1615 टू 1669। ही वॉज हाईली प्रेज्ड बाई अलेक्जेंडर पोप एंड ही इज़ अमंग द अर्लीस्ट पायोनियर ऑफ क्लासिसिज्म। देखिए, जो जॉन डेनहम, इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, और ये अर्लीस्ट पायोनियर ऑफ क्लासिसिज्म में से एक थे। कॉपर्स हिल इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। कॉपर्स हिल 5 times जो है रिवाइज करके पब्लिश किया गया था इनकी पूरी लाइफ टाइम में। जॉन डेनहम की पूरी लाइफ टाइम में कॉपर्स हिल को 5 times रिवाइज किया गया और 5 times इसको अपियर किया गया। देखिए, फर्स्ट टाइम ये अपियर हुई थी 1642 में, फिर इसको रिवाइज करके अपियर कराया गया 1643, देन 1650, देन 1655 एंड देन 1668 में। इट हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लोकल डिस्क्रिप्शन, बट मेनली इट इज़ अ मेडिटेशन वर्क दैट इज़ इंस्पायर्ड बाई अ प्लेस ऑफ मैनी हिस्टोरिकल मेमरीज। ये जो वर्क है कॉपर्स हिल, ये एक मेडिटेटिव एज वेल एज टोपोग्राफिकल पोयम है, और इसमें आपको कुछ हिस्टोरिकल मेमरीज के डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक टोपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लैंडस्केप्स डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रिवर थेम्स के बारे में बताया गया है। एंड इट वॉज रिटन इन हीरोइक कपलेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। अब डेनहम के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो देख लीजिए, नियर द थेम्स। थेम्स क्या है? ये एक रिवर है। नेक्स्ट वर्क है जो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर्स हिल की तरह, विंसर फॉरेस्ट। ये भी इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा था, और कॉपर्स हिल भी इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये लाइक इसकी इंपॉर्टेंस जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसी वर्क के इन्फ्लुएंस में आकर पोप ने सेम टाइटल की पोयम लिखी थी, विंसर फॉरेस्ट। नेक्स्ट इन्होंने वर्क लिखा,
द रून ऑफ एन एबे विच रिकॉल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनेस्ट्रीज। एबे क्या होता है, जब बहुत सारी मोनेस्ट्रीज एक साथ हो, मतलब उनका पूरा कलेक्शन हो एक साथ, और जब उसको ना एक टाइम पर डिसोल्यूट किया गया था, तो उसी टाइम को याद करते हुए ये वर्क इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट वर्क है रनिमीड फील्ड। अब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी द सोफी से। द सोफी एक ट्रेजेडिक वर्क है। इन्होंने ये वर्क लिखा था 1642 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत कौन से वर्क से की थी, द सोफी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। अब इन्होंने बहुत सारे जो वर्क है क्लासिकल वर्क, उनको ट्रांसलेट भी किया था। अब इन्होंने क्लासिकल वर्क को ट्रांसलेट किया, उसमें से एक वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय, ये वर्जिल की जो वर्क है ना एनीड, उसका एक पोइटिक अडेप्टेशन है, किसी पार्ट का एक पोइटिक अडेप्टेशन है, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया और टाइटल दिया द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय। सर विलियम डेवनेंट, सर विलियम डेवनेंट का जो लाइफ स्पेन है, दैट इज 1606 टू 1668। ही टू वॉज सपोर्टर ऑफ किंग एंड वेंट इन टू एग्जाइल विद हिम। इनका जो वर्क है गॉन्डीबर्ट, ये एक एपिकल रोमांस है। ये वर्क जो है ये अर्ली मिडिवल स्टोरी है, जिसमें एक ड्यूक और एक लेडी के लव स्टोरी को बताया गया है। एक लोम्बार्ड जो प्लेस होता है, वहाँ के ड्यूक होते हैं, उनका नाम होता है गॉन्डीबर्ट। और जो गॉन्डीबर्ट है वो एक इनोसेंट लेडी होती है बर्था, उनसे प्यार करने लगते हैं। तो वो टाइप की स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। ये एक एपिकल रोमांस है। इन्होंने फिर एक ओपेरा लिखा द सीज ऑफ रोड्स। ये जो वर्क इन्होंने लिखा था, इसके बाद हमें रेस्टोरेशन एरा में जब हम हीरोइक ट्रेजेडीज़ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि इनके इस वर्क का इन्फ्लुएंस वहाँ पर साफ साफ क्लियरली दिखाई देता है। और जो सर विलियम डेवनेंट है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो रेस्टोरेशन राइटर्स पर भी क्लियरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो, मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।